अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी जो पिछले सवाल किए हैं उन्हीं सवालों को मैं कंटिन्यू करता हूं, और ये आया है सहरिश की तरफ से, शेखपुरा पाकिस्तान से। इनका अगला सवाल है, नमाज के बाद एक्स्ट्रा सजदा कर सकते हैं? देखिए, काफ़ी तरह के सजदे होते हैं, जैसे शुक्र के सजदे होते हैं। और अच्छा, ये है कि पहले ये देखा जाए कि क्या ये नमाज का हिस्सा है। अगर तो नमाज का हिस्सा समझ के सजदा कर रही हैं तो समझें कि ये बिदअत में आ जाती है, क्योंकि ना तो कुरान से साबित है, ना सही हदीस से साबित है, ना किसी सुन्नत की ज़िंदगी से साबित है। लेकिन ये चीज़ हो सकती है कि अगर हम किसी अल्लाह ताला ने हमें कोई चीज़ अता की है तो हम अल्लाह के शुक्राने में सजदा कर सकते हैं, और इसकी कोई लिमिट नहीं है। जैसे हम दो रकात नमाज़ पढ़ के शुक्राने के नफल पढ़ सकते हैं। जैसे अच्छा, ये एक और चीज़ है कि नमाज के बाद इसका वक्त मत बांधें कि नमाज के बाद ही सजदा करें, क्योंकि एक चीज़ जब ये करते रहेंगे, समझें कि जो आगे जनरेशन वगैरह होती है, वो हो सकता है अपने माँ बाप को देखेंगे कि मेरे माँ बाप ऐसे करते हैं, तो समझे कि जो बच्चा माँ बाप को देखता है वो भी वही करता रहेगा बगैर जाने कि मेरे माँ बाप ये कर रहे हैं तो मैं भी वो करना चुका था। सो वी हैव टू बी केयरफुल। बच्चों को हमेशा बताना पड़ता है कि अगर मैं ये कर रहा हूँ और मैं ये क्यों कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और जो वॉलंटियरली इबादत होती हैं, जैसे नवाफिल वगैरह हैं, जैसे एक्स्ट्रा कुरान है, एक्स्ट्रा तस्बीह है, या एक्स्ट्रा सजदा करना है, और जो सजदे में जाके जो दुआ की जाती है, ये बहुत खूबसूरत दुआ होती है, क्योंकि अल्लाह ताला को ये सबसे ज़्यादा एक खूबसूरत लम्हा लगता है जब एक उसका बंदा ज़मीन पर अपना माथा रख के अल्लाह ताला से दुआ करता है, तो ये सबसे बेहतर मौका आता है। लेकिन इसका वक्त ना बांधा जाके नमाज के बाद ही सजदा करना है। तो वॉलंटियरली जो सजदे और नवाफिल वगैरह जितनी इबादत होती हैं, इसका कोई भी वक्त मुकर्रर नहीं होता, किसी टाइम भी कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा नवाफिल पढ़ सकते हैं, जब भी कर सकते हैं, जब मर्जी सजदा कर सकते हैं। अच्छा, एक और भी सजदा है जो कुरान में सजदे आते हैं, इसको कब कर सकते हैं? क्या उसी वक्त करें या बाद में करें या जब मर्ज़ी कर लें? अब जब मर्ज़ी नहीं कर सकते बहरहाल, लेकिन ये हो सकता है कि जब आप कुरान पढ़ रहे हैं आप उसी वक्त भी नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि आप जहाँ तक पढ़ रहे हैं कम से कम आप कुरान को कंप्लीट करके उसको साइड में रख के अपना कुरान को पढ़ के फिर आप सजदा कर सकते हैं। अब ये नहीं कि कुरान में अगर दो तीन बार सजदा एक साथ आ गया तो आप बार बार उठेंगे तो बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि अगर सजदा आया तो कुरान में हम उसको या तो पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे सजदा है लेकिन उसको करें ज़रूर, क्योंकि वहाँ पे सजदा लिखा हुआ। अब ये नहीं कि मैं कल करूँगा या मैं परसों करूँगा, आप ऐसा मत करें, ये बिदात में आ जाती है, क्योंकि अगर कुरान में लिया, अब ये कि अगर आप ये कुरान पढ़ रहे हैं और सजदा आया, दूसरे दिन आप फिर कुरान पढ़ रहे हैं तो उसमें फिर सजदा आ गया, अब ये नहीं कि सब सारा सजदों को जो कुरान में सजदे हैं उनको इकट्ठा करके एक ही बार पढ़ें, आप ये भी नहीं कर सकते, ये भी बिदात है, और ये भी एक आप समझिए कि एक गुनाह है, अल्लाह के कलाम के साथ मजाक है। जहाँ पर सजदा आया आप बेहतर है कि वहाँ पर अगर उसी को सजदा करेंगे तो ठीक है, अगर नहीं कर सकते तो आप कुरान को मुकम्मल करके उसी वक्त का कुरान मुकम्मल करने के बाद सजदा कर सकते हैं, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।